नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कॉर्बेट अवैध कटान, DFO पर एक्शन, डायरेक्टर को कौन बचा रहा? CM बोले, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। उत्तराखंड वन विभाग में IFS अधिकारियों के बंपर तबादलों में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको कॉर्बेट में हुए अवैध निर्माण और पेड़ कटान के मामले में कार्रवाई के तहत हटाया गया है। हालांकि खास बात यह है कि निदेशक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व राहुल कुमार पर सरकार कार्रवाई से बचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि CM धामी ने स्पष्ट कहा है कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, मामले में जांच के लिए कहा गया है। लापरवाह अफसरों पर बड़ा एक्शन, वन विभाग से बड़े IFS अधिकारियों की हुई छुट्टी, चीफ को भी बदला। उत्तराखंड वन विभाग में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश में वन विभाग के मुखिया राजीव भरतरी को हटाने के आदेश हुए हैं। उनकी जगह अब विनोद कुमार को वन विभाग का मुखिया बनाया गया है। इसके साथ ही कई अधिकारियों को हटाया गया है। अब गैरसैंण, 9-10 दिसंबर को देहरादून में होगा उत्तराखंड विस का शीतकालीन सत्र। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब देहरादून में 9 और 10 दिसंबर को सत्र आहूत होगा। इससे पहले भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। ये तीसरी बार है जब शीतकालीन सत्र की तारीख बदली गई है। पहले 29-30 अक्टूबर, उसके बाद 7 और 8 दिसंबर और अब तीसरी बार विधानसभा सत्र की तारीखों में संशोधन करते हुए अब 9 और 10 दिसंबर को होगा विधानसभा सत्र। इसके साथ ही सत्र के स्थान में भी बदलाव किया गया है। गैरसैंण के बजाय अब देहरादून में ही विधानसभा सत्र आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। किसान आंदोलन के एक साल, गाजीपुर सीमा पर पहुंचे यूपी उत्तराखंड के किसान। किसान आंदोलन को एक साल पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों पर टिक गया है। इस पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की पंचायत हो रही है। उत्तराखंड विस चुनाव 2022, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक भी दांव आजमाने जा रही है। पार्टी ने 13 प्रत्याशियों की प्रथम सूची भी जारी कर दी है, साथ ही एक संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। ऐसे में प्रदेश में सत्ता संभाल रही BJP की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। PM मोदी का उत्तराखंड दौरा तय, 4 दिसंबर को देहरादून में करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिसंबर को उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। प्रधानमंत्री 4 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में 20 दिसंबर के आसपास आचार संहिता लग सकती है। पहले नरेंद्र मोदी का दौरा 3 दिसंबर को प्रस्तावित बताया जा रहा था, लेकिन अब 4 दिसंबर का समय तय होने की पुष्टि प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने की है। कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद के इशारों पर हो रहा अवैध खनन, आप नेता नरेश शर्मा का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश शर्मा ने कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद पर हरिद्वार में अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। गन्ना खरीद न होने से आक्रोशित किसान, शुगर मिल के बाहर किया प्रदर्शन। गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के बाद किसानों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। किसानों ने शुगर मिल प्रबंधक पर बाहर से गन्ना लाने का आरोप लगाया है। किसानों ने मिल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए लिब्बर हेड़ी गन्ना सोसाइटी समिति के बाहर प्रदर्शन किया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत, ग्रामीण क्षेत्रों में हालत और भी बदतर। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में रसोई गैस का संकट बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते लोगों को कड़ाके की ठंड में सुबह से ही गैस सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सिलेंडर की किल्लत के चलते कई लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं गैस सिलेंडर न मिलने पर लोगों में काफी आक्रोश भी दिख रहा है। ऋषिकेश पुलिस के हत्थे जोड़े झारखंड के 2 ठग, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। पुलिस और SOG ने लोगों की पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के नाम पर ठगी करने वाले झारखंड के 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों भाई ऋषिकेश में 2 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें करीब 40,000 की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया गया है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स में औसत से कमतर देहरादून, 56 शहरों में 35वां स्थान पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में देहरादून को देश के 56 शहरों में 35वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में शिमला को पहला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। गंगोली हाट विधानसभा में टिकट के दावेदारों की भरमार, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में अब ज्यादा नहीं बचा है। कांग्रेस और BJP में टिकटों की दावेदारी को लेकर नेता आगे आने लगे हैं। पिथौरागढ़ की गंगोली हाट विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से टिकट के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त नजर आ रही है। दुष्यंत कुमार ने मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना को बताया झूठ का पुलिंदा, आप पर जमकर साधा निशाना।
बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने आम आदमी पार्टी की मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके नेताओं ने हरिद्वार को बदनाम किया था और अब उसी पार्टी के लोग हरिद्वार से अपनी योजना की गारंटी के कार्ड बांट रहे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का विधिवत आगाज, पंच केदारों के दर्शनों का मिलता है लाभ। चारों धामों की डोलियों के शीतकालीन गद्दे स्थल में विराजमान होते ही शीतकालीन यात्रा का भी विधिवत आगाज हो गया है। अब देश विदेश के भक्त शीतकालीन मंदिरों में आकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त किसी कारणवश केदार और मध्मेश्वर भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, उन्हें ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करने से पंच केदारों के दर्शन का लाभ अर्जित होता है। कोटद्वार लंगूर ढांग नदी पर बन रहे पुल का विरोध, 16 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीण। लंगूरगढ़ नदी पर 25 लाख की लागत से एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विरोध जुआ, भेड़गांव व बंगला के ग्रामीणों द्वारा पिछले 16 दिनों से किया जा रहा है। ग्रामीण लंगूरगढ़ नदी के तट पर 16 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि शासन प्रशासन लंगूरगढ़ नदी पर एक रिजॉर्ट को फायदा पहुंचाने के लिए मोटर पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। देहरादून में यहां हुई थी संविधान की छपाई, आज भी संजोकर रखी गई है पहली कॉपी। आजादी मिलने के बाद देश के संविधान का लिखित पुलिंदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने इसका मसौदा तैयार किया। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद इस ऐतिहासिक संविधान की प्रति को छापने की जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई, जहां संविधान की पहली 1000 प्रतियां छापी गई। भारत के संविधान की छापी गई वही पहली कॉपी आज भी सर्वे ऑफ इंडिया में मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई संविधान नहीं था। KYC फ्रॉड, रिटायर्ड चिकित्सा महानिदेशक के साथ ठगी, KYC के नाम पर 1.28 लाख की चपत। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार साइबर ठगों ने रिटायर्ड चिकित्सा महानिदेशक रमेश चंद्र आर्य को निशाना बनाकर लाखों की ठगी की है। इस संबंध में रमेश चंद्र ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच पूरी होने के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना डालनवाला में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी महंगी, किशोरी से रेप के बाद फोटो की वायरल। सोशल मीडिया में मित्रता के बाद एक युवक ने किशोरी से दुष्कर्म, उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दी, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद पॉक्सो समेत 67 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी उप कारागार की सुरक्षा राम भरोसे, ऐसी है कुमाऊं की सबसे अधिक कैदियों वाली जेल की हालत। अल्मोड़ा जिला जेल में रंगदारी और नशे के कारोबार का मामला सामने आने के बाद प्रदेश के जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेलों में तमाम सुरक्षा प्रबंध के बावजूद जेल में रंगदारी, हत्या की फिरौती, मोबाइल का इस्तेमाल, लड़ाई झगड़े और नशे का कारोबार जैसी घटनाएं जेलों में सामने आ चुकी है। ऐसे में सबसे अधिक कैदी वाले हल्द्वानी उप कारागार की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने किया मैथी शाह पुल का लोकार्पण, 4.5 करोड़ आई लागत। कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने शुक्रवार को मैथी शाह नाला पुल का लोकार्पण कर दिया है। इस मौके पर भगत ने कहा कि इस पुल के बनने से क्षेत्र के लोगों को अब समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड किसान सभा और सीटू का सचिवालय कूच, MSP कानून बनाने की मांग। उत्तराखंड किसान सभा और सीटू कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों को संसद से रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर देहरादून स्थित सचिवालय कूच किया। इस दौरान पहले से मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर सचिवालय से पहले ही रोक दिया। शिफन कोर्ट के बेघर लोगों ने की जमीन आवंटित करने की मांग, कहा आलिशान फ्लैट पाने की नहीं इच्छा। शिफन कोर्ट के बेघर लोगों ने फिर आवास की मांग मुखर की है। शिफन कोर्ट से बेघर लोगों का कहना है कि वो आलिशान फ्लैट पाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, वो अपना टेंट गाड़ कर रह लेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।